सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई कि आपका बजट है हैचबैक कार का, पर आपको चाहिए 7 सीटर, मतलब आपकी फैमिली बड़ी है पर आपके पास पैसे इतने ही नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं। ये है रेनॉल्ट ट्राइबर RXE, मतलब इसका बेस वेरिएंट, जिसका प्राइस सिर्फ 6.99 लाख रुपीज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस कार में आखिर आपको मिलता क्या है और क्या क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं, ये कार इतनी सस्ती क्यों है। देखो इसे सस्ती नहीं कहा जाएगा, पर हाँ, इंडिया में जिस प्राइस पे हैचबैक्स आती हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट्स आते हैं, उस प्राइस में आपको इंडिया में सिर्फ इकलौती ऐसी 7 सीटर है जो कि रेनो ऑफर करती है। साथ ही साथ रेनो का एक ये भरोसा, इंडिया सेफेस्ट 7 सीटर कार। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इस कार के की। तो इसमें आपको दो चाबियां मिलती हैं, देखो एक यहाँ पे आपको प्योर ब्लैक और एक SC, ये देखो यहाँ पे आपको इसमें हल्का सा ये क्रोम दिख जाएगा। इसमें आपको कोई भी सेंट्रल लॉकिंग ऑफर नहीं की गई है, तो आपको कार ओपन करने के लिए की ही लगानी पड़ेगी। पर भाई आफ्टर मार्केट क्या कुछ नहीं हो जाता है, जो चाहे वो लगवा लो, लोग जाने क्या क्या ही लगवा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट लुक की। तो इसमें आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप ऑफर किया गया है जो कि हैलोजन में है, मतलब येलो लाइट ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी DRL तो ऑफर भाई किया भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसका जो इंडिकेटर है ये भी आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जाता है। बात करें ग्रिल की, तो ग्रिल इसमें आपको प्योर ब्लैक मिलती है, जो इसके अपर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको क्रोम मिल जाएगा, पर इसमें आपको क्रोम नहीं मिलेगा। पर हाँ, यहाँ आपको बीच में रेनो का एक बड़ा सा क्रोम में लोगो देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। रेडिएटर ग्रिल की बात करें कुछ इस टाइप की है। भाई कार कहीं से छोटी नहीं लगती है, वैसे 7 सीटर कार है तो छोटी होगी भी नहीं। उसके बाद आते हैं हम कार के साइड पे, तो ये देखो कार साइड से कुछ इस टाइप की लगने वाली है। तो साइड में सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर की। तो पहले इस कार में आपको ऑफर किए जाते थे MRF के टायर, पर अब इसमें आपको C8 के टायर मिल जाते हैं, जिनकी टायर प्रोफाइल 165/80R14, तो 14 इंच की इसमें आपको C8 के स्टील रिम्स ऑफर कर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो बाद में इसमें व्हील कैप्स या अलॉय कहीं भी बाहर लगवा सकते हैं। उसके अलावा भाई इसमें आपको ORVM पे हैं, इसके फेंडर पे इसके इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल एक बार हम साइड लुक की बात करें, तो कार साइड से कुछ इस टाइप की लगने वाली है। जो अपर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कुछ इस टाइप का स्ट्रिप मिल जाएगी, पिलर्स हैं वो ब्लैक मिल जाएंगे, पर इस कार में आपको हर चीज बॉडी कलर्ड ही, ये भी बॉडी कलर्ड, यहाँ पे भी आपको प्योर बॉडी कलर मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ इस टाइप की ऐसी स्ट्रिप लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, और ये ज्यादा महंगी नहीं आती, आई थिंक शायद 500 रुपए की आती, क्योंकि एक बार मैंने अपनी गाड़ी में चेंज करवाई थी। तो साइड की बात करें तो कुछ इस टाइप की है कार साइड से। बाकी इस कार में आपको कहीं पे भी इसकी ब्रांडिंग नहीं मिलेगी कि ये बेस वेरिएंट है या फिर टॉप है। ये देखो टॉप में भी आपको कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती है कि कार टॉप है। तो ये हो गया भाई साइड से बात, चलते हैं कार की रूफ पे। तो इसमें आपको कोई भी रूफ रेल या कोई भी एंटीना ऑफर नहीं किया जाता है, और वो क्यों उसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा कार को आप जब आगे से देखेंगे तो देखो कार आपको थोड़ा सा गंजी गंजी सी लगेगी, तो इसमें रूफ रेल जरूर लगवा लेना अगर आप ट्राइबर ले रहे हो। तो साइड हो गया, फ्रंट हो गया, रूफ हो गया, चलते हैं कार के रियर पे कि इसमें आपको क्या क्या ऑफर कर दिया जाता है। इसमें आपको भाई यहाँ पे एक हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, और कुछ इस टाइप की इसके रियर विंडशील्ड है। यहाँ पे आपको एक रेनो का लोगो, यहाँ पे ट्राइबर की ब्रांडिंग। बात करें इसके टेल लैंप्स की, तो इसमें आपको C टाइप टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं जो कि भाई हैलोजन में ही है, कोई भी इसमें आपको LED का काम देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको रेनो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर कर दिए गए हैं, ये 1, 2, 3। बम्पर इसमें आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, और ऐसा नहीं भाई कि ये सिर्फ बेस मॉडल है, इस वजह से आप वहां पे देखो इसका टॉप मॉडल खड़ा है, उसका भी बम्पर आपका ब्लैक कलर का ही है, पर उसमें नीचे आपको देखो हल्का से सिल्वर टाइप की फिनिश मिलती है ना, इसमें आपको प्योर ब्लैक कलर की ही देखने के लिए मिलने वाली है। इस टाइप की कार रियर से, उसके बाद एक बार इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखो बूट स्पेस इसमें आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, मतलब एक आध बैग है जो पिट्ठू बैग होते हैं वो आप इसमें अपना लोड कर सकते हैं। तो ये हो गई भाई अपनी कार बाहर, बाहर से चलते हैं कार के अंदर। तो कार के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर की लगानी पड़ेगी, पर कार अनलॉक है भाई पहले से ही। चलो बाहर काफी ज्यादा शोर भी हो रहा है, चलते हैं अंदर भाई। इस टाइम इतना ज्यादा लोग पागल हो चुके हैं ना ड्राइवर लेने के लिए, क्योंकि इस समय चल रहा भाई दिवाली ऑफर, साथ में आपको यहाँ पे एक सेलिब्रेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ भाई ये क्या, अच्छा रेनो वाले भाई अब परफ्यूम भी ऑफर कर देते हैं, सही है सही है। उसके अलावा और क्या ऑफर किया गया, टिश्यू बॉक्स भी ऑफर कर देते हैं, चलो सही है। तो लगाते हैं हम कार में एक बार की, और फिर देखते हैं इसका वेलकमिंग फंक्शन। वाह भाई वाह, पता है पहले रेनो में क्या था कि ये वाला जो मीटर है ना, इसके टॉपर वेरिएंट्स में आता था, मतलब जो इसका RXZ था जो मेरे पास था पहले, उसमें आता था ये वाला मीटर, और अब टॉप वेरिएंट में इन्होंने चेंज कर दिया, जो बेस वेरिएंट है उसमें ऐसा दे दिया। मतलब अगर अभी आप स्टोरी वगैरह बनाओगे तो किसी को पता नहीं चलने वाला है कि आप कार के बेस वेरिएंट में हो। उसके अलावा भाई करते हैं चलो जल्दी से हम लोग अंदर की बात है कि अंदर आपको क्या क्या ऑफर कर दिया जाता है। तो कुछ इस टाइप का इसमें आपको मीटर मिलता है, जहाँ पे आपका RPM मीटर है, फ्यूल मीटर है, साथ में आपको स्पीडोमीटर, मतलब हर चीज आपको डिजिटल ही ऑफर की गई है। इसके
ऊपर के वेरिएंट्स में यहाँ पे कांच आप देने लगे हैं, पर अभी इस वेरिएंट में आपको यहाँ मीटर में कांच नहीं ऑफर किया गया है। ये देखो ये पूरा एक्सपोज्ड ही है। उसके अलावा भाई आप अपने बूट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन का भी बटन दे दिया गया है, तो अपने ट्रैक्शन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। देखो ये देखो देख रहे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, तो ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे बटन मिल जाता है। साथ में कार में रिवर्स लगाने के लिए आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रिवर्स लगाना है। तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, तो आप देखो सेंसर्स आवाज कर रहे हैं। 5-स्पीड गियरबॉक्स ऑफर किया गया। इसमें आपको मिलता है भाई 1000 cc का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 76 bhp विद 96 Nm ऑफ टॉर्क। तो भाई कार आपको ठीक ठाक पावर प्रोड्यूस करके दे देती है। जो भी लोग कहते हैं कि कार अंडर पावर्ड है, भाई ऐसा नहीं है। एक मेरे जानने वाले उन्होंने इस कार को 6 लाख किलोमीटर चला दिया। 6 लाख मतलब समझ रहे हो, तो उनका भी जल्दी मैं एक रिव्यू ले लूंगा 6 लाख किलोमीटर में उनका कैसा रिव्यू है। भाई फर्स्ट ओनर कार है, मतलब बताऊंगा हर चीज इसी में नहीं बता दूंगा। बाकी इसमें आपको कुछ इस टाइप के एसी वेंट्स ऑफर कर दिए गए हैं। बात करें डोर की, तो डोर में भाई आपको यहाँ पे 2 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और ये अपना डोर हैंडल। बाकी लॉक अनलॉक ऐसे ऊपर नीचे वाला ही दिया गया। कोई भी आपको इसमें सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। इसमें आपको कोई भी स्टीरियो भी ऑफर नहीं किया गया, पर हाँ इसमें आपको यहाँ पे स्पीकर की जगह दे दी गई है, यहाँ स्टीरियो की भी दे दी गई है, तो जो भी चाहो भाई आप लगवा सकते हो। बाकी ग्लव बॉक्स भाई इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, पर ओ अच्छा एक चीज पता चली आज मुझे। तो भाई इसका जो बेस वेरिएंट है, इसमें आपके पास ये वाला ग्लव बॉक्स है ही नहीं। जो टॉप वेरिएंट है उसमें यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, पर इसमें आपको सिर्फ एक ग्लव बॉक्स, मतलब ये यहाँ पे। बाकी ये वाला कोल्ड होता है इसके अपर वेरिएंट में, पर इसमें आप भाई यहाँ पे अपने बॉटल वगैरह जो भी चाहो रख सकते हो। बात करें सीट्स की, तो इसमें आपको कुछ इस टाइप की फैब्रिक सीट्स ऑफर कर दी गई है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में इसमें आपको सीट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। IRVM भाई इसमें आपको कोई भी डे नाइट एडजस्टेबल वाला नहीं है, और जो इसमें आपको ORVM है इसे भी आप अपने कुछ इस तरह से हाथ से ही एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी भाई आजकल मॉडिफिकेशन जाने क्या क्या ही होती है। यूट्यूबर्स तो बेस मॉडल ही लेके इसके बाद उसे टॉप वेयर मॉडल बनाते हैं, मतलब बेस टू टॉप तो काफी ज्यादा चलता ही है आजकल। तो कुछ इस टाइप की भाई अपनी कार फ्रंट से चलते हैं एक बार हम लोग कार के रियर पे। तो भाई आ चुके हैं हम कार के रियर पे। तो रियर में भाई इसमें आपको ठीक ठाक लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट और हेड रूम भी ऑफर कर दिया गया। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी पावर विंडो नहीं मिलती है भाई, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फील ले लेना कुछ इस टाइप से। बाकी लाइट इसमें आपको यहाँ पे नहीं, सिर्फ एक लाइट आगे ही ऑफर की गई है। कोई भी यहाँ पे आपको एसी वेंट्स भी ऑफर नहीं किए गए ना कोई जगह, और लास्ट में भी भाई कहाँ ही आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इसमें आपको यहाँ पे ये ऑफर कर दिया गया। तो रियर से भाई कार को जिस टाइप के, एक चीज भाई इस कार में मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि इस कार में जो यहाँ पे ऐसे उठा हुआ होता है ना हम्प, देखो इसमें कितना हम्प है, सिर्फ इतना सा, मतलब इसमें आप 3 बंदे बहुत ही आराम से बैठ सकते हो। पर हाँ इसमें आपको जो भी हेडरेस्ट है इसमें आपको बीच वाले के पास नहीं मिलता है। बात करें लास्ट रो की, तो लास्ट रो भी भाई इसमें आपको कुछ इस टाइप का है। लास्ट रो में आप 2 बंदे बहुत आराम से बैठ सकते हो, मैं तो बहुत बैठा हूँ, मेरी तो बात ही मत करो, बैठा भी हूँ चलाया भी है, इसमें बैठो यार 3 साल एक ही गाड़ी रखी हुई है, क्या कुछ नहीं किया होगा उसके साथ। बाकी इसमें आपको यहाँ पे स्पीकर की जगह और यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो स्टोरेज स्पेस भाई कार में बहुत सही है, स्पेस मैनेजमेंट रेनो ड्राइवर से अच्छा भाई किसी गाड़ी में है ही नहीं, सच में ये बात मैं पर्सनली बताता हूँ। अभी एक आईएस मतलब किसी वजह से मैं डिफेम करना नहीं चाहता हूँ, पर हाँ फिर भी भाई स्पेस मैनेजमेंट जितना अच्छा इस कार में है और इस कार का एम्बियंस जितना अच्छा है उतना भाई किसी भी गाड़ी का नहीं है। सो ये थी भाई अपनी कार अंदर से। अब सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है अपने कार का इंजन बे। कुछ इस टाइप का इंजन बे देखने के लिए मिलता है। बाकी इसमें आपको एक्साइड की बैटरी भी ऑफर कर दी गई है, 1000 cc का इंजन है भाई, और ये है BS6 फेज 2। इसका ड्राइव रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा चैनल पे। बाकी एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इंसुलेशन ऑफर किया गया है, मतलब देखो बेस वेरिएंट है तब भी इसमें आपको यहाँ पे इंसुलेशन ऑफर कर दिया गया है। तो ये बंद हो चुका भाई अपनी कार का। तो भाई यही थी अपनी रेनो ट्राइबर RXC बेस वेरिएंट। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।